मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है और आज हम करेंगे एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड क्या होते हैं बेटा जी? एक्शंस होता है लाइक दैट, मैंने इसे हिलाया, मैं चली, मैं बोल रही हूँ, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो मैं कुछ खा रही हूँ। दैट मीन्स मैं जो भी काम कर रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, गा रही हूँ, खेल रही हूँ, उन सबको हम क्या करते हैं? एक्शन वर्ड। कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ, मैं क्या एक्शन कर रही हूँ। ये देखो, ये इशारा है ना, किस चीज़ का इशारा है? खाने का। ये किस चीज़ का है? सोने का, है ना। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, क्योंकि हम एक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है? हमारे एक्शन वर्ड्स। आज हम पढ़ेंगे सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलने को क्या कहते हैं। कुछ आपको मालूम है और कुछ हम नए करेंगे। ठीक है, आज हम फिर से करेंगे हमारे एक्शन वर्ड्स। ठीक है, चलिए। पहला है हमारा सी। सी मतलब होता है देख। हम क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं, अपनी आईज से हम देखते हैं। तो देखने वाले एक्शन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? सी। ठीक है बेटा। देन गो। गो मतलब जाना, है ना, और कम मतलब आना जाना, गो। देन प्ले। प्ले का भी आपको मालूम है, प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले का मतलब क्या है? खेलना। ठीक है, चलो उसके बाद है हमारा से। से का मतलब होता है कहना। कहना हम कभी यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ना, टेल मी, टेल होता है बताना, बताओ मुझे पहले। से यस और नो, जल्दी बताओ, से कहो हाँ या नहीं, से यस और नो। ओके, तो से मतलब कहना, हाँ या नहीं कहो। ओके, और टेल होता है बताना, टेल होता है बताना, टेल मतलब बताना। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज टीच। मैम आपको टीच कर रही है, दैट मीन्स मैं आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो उसको बोलते हैं पढ़ाना। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज राइट। अब मैम बोर्ड पे क्या कर रही हैं? राइट कर रही हैं। क्या कर रही हूँ मैं? लिख रही हूँ, दैट मीन्स लिखना। राइट मतलब लिखना। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज राइट के बाद आएगा कम। अभी हम पढ़ रहे थे ना, गो जाना और कम आना। ठीक है, आना। द नेक्स्ट वन इज क्लीन। CLEAN, clean, clean the table, clean the floor, तो उसको बोलते हैं साफ करना। क्या बोलते हैं? साफ करना। ठीक है, the next one is run, run मतलब दौड़ना, run का मतलब होता है दौड़ना। पार्क में जाके करते हैं ना, चलो हम रन एंड कैच का गेम खेलते हैं। ओके, रनिंग करते हैं हम, रेस लगाएंगे हम, रन करेंगे हम, है ना। तो ऐसे होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना। होल्ड दिस पेंसिल, होल्ड दिस नोटबुक, इस पेन को पकड़ो, इस पेंसिल को पकड़ो। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग, BRING, ब्रिंग होता है लाना। ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, मेरे लिए कुछ फल लाओ। ठीक है, ब्रिंग सम फूड फॉर मी, मेरे लिए कुछ खाना लाओ। ओके, देन लाइक, आई लाइक दिस एप्पल। लाइक होता है पसंद करना, कि मुझे ये चीज पसंद है, आई लाइक इट, पसंद करना। ठीक है, 14 हमारा क्या है लाइक के बाद? लव होता है बेटा जी प्यार करना। आई लव माय मॉम, मैं अपनी मम्मा से प्यार करती हूँ, आई लव माय मॉम। चलिए नेक्स्ट वन इज ईट। अभी देखो हम खाने की बात कर रहे थे और यहाँ खाना आ गया, तो ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है, उसके बाद आएगा जी सिंग, SING। सिंग का मतलब है गाना। सिंग का मतलब क्या है बेटा? गाना। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कैच, CATCH।
कैच, कैच का मतलब होता है, कैच का मतलब क्या है बेटा? पकड़ना। मैं इसका मीनिंग इसके नीचे लिख रही हूँ, ठीक है? कैच मतलब पकड़ना, ओके। द नेक्स्ट वन इज टेक, टी ए के ई, टेक मतलब लेना, ओके। द नेक्स्ट वन इज वॉश, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर नेल्स, तो उसका मतलब है धोना। एंड द लास्ट वन इज फाइंड, एफ आई एन डी, फाइंड मतलब पाना, फाइंड का मतलब क्या हुआ? पाना, ठीक है। तो चलो अब हम एक बार फिर से इसको रीड करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सी, देखना, गो जाना, प्ले खेलना, से कहना, टेल बताना, टीच पढ़ाना, राइट लिखना, कम आना, क्लीन साफ करना, रन दौड़ना, होल्ड पकड़ना, आई होल्ड दिस चॉक, ओके। ब्रिंग लाना, लाइक पसंद करना, लव प्यार करना, ईट खाना, सिंग गाना, कैच पकड़ना, टेक लेना, वॉश धोना, फाइंड पाना, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको ये एक्शन वर्ड सुंदर सुंदर अपनी हैंडराइटिंग में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है, ओके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।